हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश का रिव्यू। ये फेस वॉश जो है काफ़ी सालों से चला आ रहा है एंड अभी तो बहुत सारे वेरिएंट के फेस वॉश मिलते हैं पतंजलि में। ये वाला जो है सबसे फर्स्ट आया था। सो फ्रेंड, थोड़े दिन पहले मैंने रिव्यू किया था पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का। उसमें कुछ कॉमेंट आया था कि मैं ये फेस वॉश का रिव्यू करूँ। सो आज मैं फाइनली ये फेस वॉश का रिव्यू लेके आई गई हूँ। सो फ्रेंड, ये फेस वॉश 60 ग्राम का प्रोडक्ट है। इसका प्राइस जो है 60 रुपीज़ है। ये आपको कोई भी लोकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा, प्लस ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो सो फ्रेंड, ये फेस वॉश जो है सभी नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। इसमें एलोवेरा है, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है, नीम है, तुलसी है, ये सभी एक्सट्रैक्ट इसमें जो है डाले गए हैं। एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि आपको पता ही है, ये डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। ऑरेंज पील जो है डर्ट ऑयल को अच्छे से डीपली क्लीन करता है, प्लस स्किन में ग्लो ऐड करता है। नीम एंड तुलसी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को करता है, चेहरे पे एक्ने पिंपल होने से बचाता है, ठीक है। ये फेस वॉश जो है स्किन को तो क्लीन करता है, ये साथ ही स्किन पर मॉइस्चराइजिंग बनाए रखता है और फेस पर एक्ने पिंपल होने से बचाते हैं। अगर आपकी स्किन जो है सन के हानिकारक यूवी रेस के कारण काली पड़ गई है, डैमेज हो गई है, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करता है, धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है, ठीक है फ्रेंड। ये नहीं है कि ये फेस वॉश जो है गोरा करता है, गोरा नहीं करता है। जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उसको मेंटेन करता है, चेहरे की गंदगी को क्लीन करता है, ठीक है। इसे आप सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हो। इसका टेक्सचर जो है क्रीमी है, क्वांटिटी जो है बहुत कम लगती है, अच्छे से जो है फॉर्म क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है नहीं लगती है एंड बहुत दिनों तक ये चली जाता है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो ये ड्राई स्किन के लिए नहीं है। जिनकी स्किन ड्राई है उनकी स्किन जो है और ज़्यादा ड्राई हो सकती है एंड ये ऑयली स्किन के लिए सही है। नॉर्मल स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले जो है पैच टेस्ट लेके ही यूज करें। अगर आपकी स्किन पर सूट हो रहा हो तो फेस पर अगर दाने नहीं निकल रहे हो, पिंपल्स नहीं निकल रहे हो, तो आप कंटिन्यू जो है ये फेस वॉश को यूज कर सकते हैं। किसी किसी को क्या है कि फेस वॉश से यूज करने से पिंपल्स निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं फेस पे, अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें किसी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया गया है। मेल फीमेल कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। प्लस बच्चों को यूज़ नहीं करना है, 16 प्लस वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फ्रेंड फैमिली से जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।